हरे कृष्णा, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के औरंगाबाद शाखा की ओर से यहाँ पर इस्कॉन का मराठवाड़ा के क्षेत्र में सबसे बड़ा भव्य मंदिर आ रहा है, जिसको एक संज्ञा दी है इस्कॉन वैदिक शिक्षण एवं सांस्कृतिक केंद्र, जो कि संपूर्ण औरंगाबाद वासियों के लिए तथा मराठवाड़ा वासियों के लिए एक शैक्षणिक केंद्र, संस्कृति का एक केंद्र बनेगा। इसका ये यहाँ पर जो है भव्य प्रवेश द्वार है। अभी मंदिर का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे दाहिनी ओर जो है अभी यहाँ पर निवासी व्यवस्था की जा रही है, जो कि यहाँ पर मंदिर के ब्रह्मचारी और गेस्ट के लिए होगी। इसमें टाइल्स लगाने का काम चल रहा है, ऑलरेडी ब्रिक वर्क कंप्लीट हुआ है। ये जो है फरवरी से इसका ओपनिंग होगा और यहाँ पर मंदिर की सभी गतिविधि जो है वो चलेगी, मॉर्निंग प्रोग्राम से लेकर दैनंदिन कथाएँ, श्रीमद् भागवत कथा वगैरह यहाँ पर चालू रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट का उपयोग जो है, जो वरिष्ठ भक्त है, जो विकलांग भक्त है, उनके मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर लिफ्ट का भी प्रबंध किया गया है। यहाँ पर आप मेरे बाई और एक भव्य स्टेयरकेस देख रहे हैं। ये स्टेयरकेस जो है मंदिर के सभागृह को जाएगी और जो भी मुख्य यातायात है मंदिर के लिए, वह सभी यातायात ये मुख्य स्टेयरकेस से होगी। ये हैंगिंग स्टेयरकेस है, आप देख रहे होंगे। इस स्टेयरकेस का जो हर स्टेप का ऊंचाई है वो कम रखा गया है। एक कम इसलिए रखा गया है कि सभी भक्तों को चढ़ने में, बच्चों को भी चढ़ने में आसानी हो। और वैसे ही इस स्टेयरकेस के दोनों बाजू में भगवान की लीलाओं को उतारा जाएगा, तो जाते जाते ही भगवान का स्मरण करते हुए हम मंदिर के सभागृह में प्रवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें 41 सीढ़ियां है मंदिर के इस स्टेयरकेस के लिए। आप मेरे पीछे जो परिसर देख रहे हैं वह है किचन का परिसर, पाकशाला, जहाँ पर नियमित रूप से भक्त जो आ रहे हैं, मंदिर को विजिट कर रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनके प्रसाद का प्रबंध किया जाएगा। और गर्मागर्म प्रसाद, भगवान को अर्पण किए हुए गर्मागर्म प्रसाद सबको यहाँ पर प्राप्त होगा। ये परिसर लगभग 1500 स्क्वायर फीट का परिसर है, जिसमें मुख्य पाकशाला मंदिर की रहने वाली है। अभी हम खड़े हैं श्री श्री राधा निकुंज बिहारी मंदिर के भव्य प्रसाद हॉल में। ये प्रसाद हॉल 5000 स्क्वायर फुट का भव्य प्रसाद हॉल है। इसमें इसकी आप हाइट देख रहे हो तो 23 फीट इसका हाइट जो है, फ्लोर से 23 फीट हाइट है। और यहाँ पर कम से कम 1500 भक्त जो है एक साथ प्रसाद के लिए उनका प्रबंध यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसा ये भव्य प्रसाद हॉल, जहाँ पर नित्य प्रसाद का वितरण होते रहेगा, प्रसाद वितरण के लिए इसको बनाया गया है। तो ये भव्य प्रसाद हॉल है, इसमें वैदिक संस्कार करने के का भी प्रबंध जो है, हम आगे चलकर इसमें वैदिक संस्कार नित्य रूप से होते रहे इसके लिए भी हम प्रबंध करने वाले हैं। इस हॉल की जो विशेषता है, इस हॉल का आप सीलिंग देख रहे हैं, तो ये सीलिंग जो है इसमें कोई आड़ा बीम हमें दिखाई नहीं देता है। तो एक जो स्लैब लिया गया है वो स्पेशल टाइप का स्लैब लिया गया है। दो कॉलम के बीच का अंतर अगर हम देखेंगे, मतलब हॉल की चौड़ाई अगर हम देखेंगे तो 50 फीट की चौड़ाई है। इस 50 फीट के बीच में कोई पिलर नहीं आ रहा है। तो ये हॉल जो है एक
सुंदर कोई वैदिक संस्कार करने के लिए भी इसको उपयोग में लाया जा सकता है। तो भक्तों के लिए प्रसाद वितरण के साथ ही साथ इसको वैदिक संस्कार करने के लिए भी इस हॉल का प्रयोग किया जाएगा। यह मंदिर प्रांगण का पूर्व प्रवेश द्वार है। तो मंदिर में आने के लिए दो मुख्य प्रवेश द्वार है, जैसे एक पूर्व दिशा से और एक पश्चिम दिशा से, और दोनों तरफ से बड़े रोड को यह प्रवेश द्वार टच हो रहे हैं। तो इस दिशा से भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और हर प्रवेश द्वार के पास में चप्पल जूते निकालने के लिए शू स्टैंड की व्यवस्था की गई है, और हाथ पैर धोने के लिए वहाँ पर नल की व्यवस्था की गई है। मेरे बगल में आप देख रहे हैं ये जो पिलर्स है, ये एलिवेशन पिलर्स है। ये पिलर्स डेकोरेटिव पिलर्स रहेंगे, इसके ऊपर सुंदर नक्शी काम किया जाएगा। ये भूमि स्तर से 52 फीट ऊंचाई तक यह पिलर्स रहेंगे, और ये पिलर मंदिर की शोभा बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। और इस पिलर की संख्या है, कुल संख्या 26 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हॉल्स बन रहे हैं, दो हॉल बनने वाले हैं। तो इसमें से एक हॉल का उपयोग जो है बाल संस्कार के लिए, बाल संस्कार केंद्र के तहत इसको उपयोग में लाया जाएगा, और दूसरा हॉल जो है युवाओं के लिए मार्गदर्शन केंद्र करके उसको प्रयोग में लाया जाएगा। ये दो हॉल मंदिर में युवाओं तथा बच्चों के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त सिद्ध होंगे। मेरे बाएं और आप देख रहे हैं ये मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर सभागृह का प्रवेश द्वार रहने वाला है। तो इस मंदिर सभागृह के प्रवेश द्वार से भक्त जो है भव्य सभागृह में प्रवेश करेंगे, जहाँ से भगवान के सुंदर अर्श विग्रहों के दर्शन, श्री श्री राधा निकुंज बिहारी के दर्शन वह ले पाएंगे। मेरे दाहिने और जो है तीन अल्टर्स आने वाले हैं, भगवान के अर्च विग्रह की यहाँ पर नित्य रूप से सेवा होगी। अल्टर के बाजू से 2 मीटर का परिक्रमा मार्ग भी बनाया गया है, ताकि दर्शन के पश्चात में भक्त उस विग्रहों की प्रदक्षिणा भी कर सकेंगे। तो हम अभी उपस्थित है श्री श्री राधा निकुंज बिहारी मंदिर के भव्य सभागृह में। इस सभागृह की विशेषता है कि 50 फीट अंतराल पे ही इसके जो पिलर्स है वह है। तो इस पूरे सभागृह में 5000 स्क्वायर फीट के इस सभागृह में लगभग 1500 भक्त एक समय पे भगवान का दर्शन कर सकते हैं, और इसमें कोई ही स्ट्रक्चरली ऑब्स्ट्रक्शन बीच में नहीं होगा। और इस सभागृह की ऊंचाई जो है सभागृह के फ्लोर से 23 फीट तक होने वाली है। और इस सभागृह में भगवान के सुंदर मुख कमल का दर्शन करते हुए भक्त इसमें भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान के कथा श्रवण में, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को श्रवण करने में अपने आप को लगा सकते हैं। तो ये 5000 स्क्वायर फीट के भव्य सभागृह का सबको, आने वाले सबको इसका लाभ होगा। और इसमें दीवार के ऊपर अलग अलग झांकियां, भगवान की लीलाओं की झांकियां यहाँ पर उतारी जाएगी, सिवाय छत के ऊपर भी विशेष रंग काम, विशेष शिल्प कला का उपयोग किया जाएगा। यह मंदिर प्रांगण में एक सुंदर कुएं का निर्माण किया गया है,
और ये कुआ जो है लगभग 100 फुट जो है नीचे उसका डेप्थ है और इसमें भरपूर पानी है, लगभग 70 फीट। अभी हम जैसे देख रहे हैं तो 70 फीट पानी इसमें है, 15 फीट चौड़ा ये कुआ बनाया है और इसके आजू बाजू में सुंदर नक्शीकाम भी किया है। आगे चलकर यहाँ पर पेड़ पौधे भी, सुंदर फूलों के पौधे भी लगाए जाएंगे। तो ऐसा ये बड़ा कुआ जो मंदिर प्रांगण में वृक्ष लगाए जाएंगे, जो भी मंदिर के स्वच्छता के लिए जो भी पानी की आवश्यकता रहेगी, इस आवश्यकता को पूर्ति इस कुएं के पानी से होगी। वैदिक शिक्षण एवं सांस्कृतिक केंद्र श्री श्री राधा निकुंज बिहारी मंदिर के ये कुल मिलाकर इसका 2 एकड़ का परिसर है। इसमें मंदिर और उसके साथ में अन्य परियोजनाओं का 1 लाख स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन है। भूमि स्तर से मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 106 फीट रहने वाली है। तो इस भव्य प्रकल्प में सहायता हेतु आप भी आगे आ सकते हैं, इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। ये एक न भूतो न भविष्यति ऐसा अवसर है संपूर्ण मराठवाड़ा परिसर के लिए। ये एक गौरवशाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक वैदिक शिक्षण का केंद्र बनने जा रहा है, तो आप इसमें जरूर सम्मिलित होइए और इसके लिए आप दान रूप में धन से सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए संपर्क है